गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग सर. ओके टुडे वी विल लर्न अगेन सिक्स लेसन. ओके व्हिच लेसन? सिक्स. चैप्टर सिक्स अकबर एंड बिरबल. क्लास फर्स्ट और रेनबो इंग्लिश फर्स्ट बुक. ओके सो चैप्टर सिक्स अकबर एंड बिरबल द स्टोरी ऑफ बीरबल वॉज द मोस्ट फेवरेट मिनिस्टर ऑफ एम्पायर अकबर. अकबर के जो सबसे फेवरेट मतलब पसंदीदा मिनिस्टर कौन थे? बीरबल थे. ओके ही वॉज वेरी क्लेवर. और बीरबल जो थे बहुत ही क्लेवर थे. क्लेवर मतलब क्या होता है? चतुर. ओके ही कुड मैनेज एनी सिचुएशन. और वो कोई भी प्रकार की परिस्थिति को संभाल सकते थे. ओके मैनी स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट हिम हिज क्लेवरनेस. बहुत सारे ऐसे कहानी हैं जो उनके बारे में कहा जाता है, सुनाया जाता है. प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनकी जो उपस्थिति है, मन की उपस्थिति है. और वो कोई भी प्रकार की समस्या को सुलझा सकते हैं. हियर इज़ वन ऑफ सच ए स्टोरी. और उनमें से एक स्टोरी ये भी है. चलो रीड करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं. ओके अकबर वॉज द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान. हिंदुस्तान के जो एम्पायर थे, सम्राट थे. एम्पायर मीन्स सम्राट. कौन थे? अकबर. कौन थे? अकबर. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर. ओके वो मुगल एम्पायर में से एक सबसे शक्तिशाली एंड सबसे महान एम्पायर थे. कौन थे? अकबर. ही हैड ए ग्रेट लव फॉर स्कॉलर एंड लर्नर पीपल. और वो सबसे ज़्यादा वो लोगों को प्रेम करते थे जो लोग पढ़ाई करते थे. स्कॉलर्स स्पेशली. स्कॉलर वो होते हैं जो कुछ लिखते हैं. ओके किताबें लिखते हैं. ओके और जो पढ़ने में इंटरेस्ट होते थे, मन लगाते थे, उन लोगों के लिए प्रेम बहुत ही ज़्यादा उनके लिए था. ओके देर वेर मैनी लर्न एंड वाइस मैन इन हिज कोर्ट. ओके बहुत सारे लर्नर मैन थे. ओके उनके दरबार पर बीरबल वॉज वन ऑफ देम. ओके उनके क्या है, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में बहुत सारे कौन थे? वाइस मैन. वाइस मतलब बुद्धिमान. और थे उनमें से बीरबल भी एक क्या है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट पर्सन था. वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान आदमी था. सो ही वॉज द मोस्ट फेवरेट ऑफ एम्पायर अकबर. इसीलिए एम्पायर अकबर के सबसे फेवरेट वो मिनिस्टर में से एक थे. वंस द एम्पायर ऑफ द पर्सिया इन्वाइटेड बीरबल. ओके बीरबल टू हिज कोर्ट. एक बार क्या हुआ, एम्पायर के पर्सिया के एम्पायर. ओके पर्सिया एक देश है जिस देश के सम्राट ने बीरबल को अपने दरबार पर बुलाए. ही वेंट टू पर्सिया वे ही वॉज गिवेन ए वार्म वेलकम. और बीरबल ने पर्सिया को गए जहाँ पे कि उन्हें क्या बहुत अच्छे से स्वागत किया गया. ही स्टेड देयर फॉर मैनी मंथ्स. वहाँ पे वो बहुत सारे महीने तक रहे. पार्टीज वेयर गिवेन इन हिज ऑनर. ओके उनके सम्मान में बहुत सारे पार्टी दिया गया. ओके भोज वगैरह किया गया. ही फेल्ट हैप्पी विथ ऑल दिस. और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा ये सारे चीज़ों से. एट लास्ट द डे ऑफ हिज डिपार्चर. और जिस दिन वो भारत रिटर्न कर रहे थे. ओके डिपार्चर फॉर इंडिया. ओके जब वो इंडिया के लिए निकलने वाले थे जिस दिन, व्हेन बीरबल वॉज अबाउट टू लीव. जब बीरबल जाने ही वाले थे, वन ऑफ हिज मिनिस्टर आस्क्ड हिम. और उनमें से एक मिनिस्टर ने उन्हें कुछ सवाल किए. हु इज़ ग्रेटर,
एम्परर अकबर और द एम्परर ऑफ द पर्शिया। तो सवाल क्या था, ये सवाल ये था कि वो उनके जो मिनिस्टर एक थे अगे मंत्री थे, वो क्या पूछने लगे कि इनमें से कौन बड़ा है, इंडिया के जो सम्राट हैं अकबर वो बड़ा है या फिर पर्शिया के जो एम्परर हैं सम्राट हैं वो बड़े हैं। बीरबल से बीरबल ने जवाब दिए, योर एम्परर इज लाइक फुल मून एंड माई एम्परर अकबर इज लाइक ए क्वार्टर मून। वो बोलने लगे कि आपके जो एम्परर हैं, आपके सम्राट जो कि पर्शिया के हैं, वो फुल मून देखिए मतलब चंद्रमा पूरा जो दिखाई देता है उसको फुल मून, हम रात में देखते हैं कभी कभी चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, फुल बॉल की तरह दिखाई देता है, उसको फुल मून कहते हैं। वो बोलने लगा कि आपके सम्राट जो हैं वो फुल मून की तरह है और हमारे एम्परर अकबर क्वार्टर मून मतलब चंद्रमा जब आधे से आधे दिखाई देते हैं, एक चौथाई जिसको बोला जाता है दिखाई देते हैं, इतना सा दिखाई देते हैं, कभी कभी चंद्रमा इतना ही दिखाई देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं क्वार्टर। तो हमारे अकबर जो हैं एम्परर अकबर वो क्वार्टर मून की तरह है। ऑल द पीपल पर्शिया वेर वेरी हैप्पी टू हियर दैट देयर किंग इज ग्रेटर देन एम्परर अकबर। और जब पर्शिया के लोग सुनने लगे तो बहुत ही खुशी होने लगे कि हमारे जो एम्परर हैं, हमारे जो सम्राट है अकबर से भी बड़े हैं करके। When Emperor Akbar came to know of it, जब Emperor Akbar ये चीज़ों के बारे में पता चला कि पर्शिया में जाके बीरबल ने ऐसे बोला है कि पर्शिया के सम्राट जो हैं वो मून के तरह, पूरा मून के तरह है, फुल मून के तरह, और अकबर जो हैं वो क्वार्टर मून के तरह हैं। बीरबल केम टू और ही वॉज वेरी एंग्री, जब सुने अकबर तो बहुत ही गुस्सा हो गए। ही वॉज वेरी एंग्री मतलब वो बहुत ही गुस्सा हो गए। आज बीरबल केम टू द कोर्ट, जैसे ही बीरबल कोर्ट में आए ओके दरबार पे आए अकबर के ओके और अकबर को सैल्यूट किए यानी ग्रीट किए। अकबर आस्क्ड हाउ कुड यू इंसल्ट योर एम्परर इन फ्रंट ऑफ अनदर एम्परर। अकबर जो सम्राट है वो पूछने लगे अपने सम्राट को तुम कैसे इंसल्ट कर सकते हो, अपमान कर सकते हो दूसरे एम्परर के सामने, ऐसे पूछने लगे किसको, बीरबल को अकबर ओके सम्राट अकबर। यू आर ए ट्रेटर, तुम में क्या हो ट्रेटर, ट्रेटर मतलब होता है चीटर, जो धोखा देने वाले होते हैं ट्रेटर, ट्रेटर मतलब चीटर, चीटर मतलब धोखा देने वाला। गेट आउट ऑफ माई कोर्ट एट वंस, और बोलने लगे मेरे दरबार से तुम निकल के चले जाओ, मेरे बारे में तुम बुराई करते हो इसीलिए। बीरबल सेड टू पोलाइटली, बीरबल ने बहुत ही पोलाइटली मतलब होता है जैसे हम अच्छे बर्ताव के साथ में धीरे से ओके सम्मान के साथ बात करते हैं तो उसको पोलाइटली कहते हैं। तो बीरबल ने पोलाइटली बोलने लगा नो योर मैजेस्टी, नहीं मेरे राजा सम्राट, आई डिड नॉट इंसल्ट यू, मैं आपको अपमान नहीं किया हूँ। आई सेड हिम फुल मून बिकॉज द मून फुल बिकम स्मॉलर एंड देन डिसअपियर्स। मैं इसीलिए कहा कि वो पर्शिया के सम्राट जो हैं फुल मून, क्योंकि फुल मून छोटा छोटा होते जाता है, पूरा मून जो है धीरे धीरे छोटा होते जाता है ओके इसीलिए मैंने कहा उनको, समझ में आ रहा है। एंड देन डिसअपियर क्या होता है, पूरा फुल मून जो होता है धीरे धीरे घटते जाता है। बट द क्वार्टर मून ग्रोज फ्रॉम द स्ट्रेंथ ओके स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ डे बाय डे,
लेकिन जो क्वार्टर मून छोटा मून होता है, एक चौथाई मून होता है, वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, इसीलिए मैंने ऐसे कहा। सो आई डिक्लेयर यू एज ए क्वार्टर मून एज योर पावर इज ग्रोइंग एवरी डे। इसीलिए मैंने कहा कि आप क्वार्टर मून हैं, क्योंकि आपकी शक्ति दिन पर प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, बट द पावर ऑफ एम्पायर ऑफ पर्सिया इज बिकमिंग लेस डे बाय डे। लेकिन पर्सिया के जो एम्पायर की जो ताकत है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। अकबर वॉज हैप्पी, अकबर अभी क्या होने लगा, क्या होने लगे, खुश होने लगे, सेटिस्फाई विथ द इंटेलिजेंस, और उनकी जो बुद्धिमान बुद्धि की वजह से उनको बहुत ही खुशी हुआ। ही एम्बरेस्ड हिम, वेलकम हिम टू हिज कोर्ट, और उनको वो सम्मान करते हुए उनको अपने दरबार पर बुलाए। समझ में आ गया? तो बीरबल जो थे वो बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे, जो कि ये स्टोरी में हम जो सीखे हैं। समझ में आ गया? यस सर। ओके।